अउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वेलकम टू न्यू क्लास। बेटा आज की क्लास में मैं आपको कंस्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर चैप्टर 10 के जो है बुक में पेज 25 पर गिवन है उसमें पहले जो 3 क्वेश्चन है 1, 2, 3 उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक में पेज 25 निकाले और उसमें कंस्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन गिव एग्जांपल। क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, आप एग्जांपल से बताएं। तो बेटा ये बात है मेरे लिए कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो स्टार्ट बेटा हमने नो से करना है। नो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल्स बेटा देखिए, मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोक है और स्विंग है, ये ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो यू हैव रीड दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द बॉडी मस्ट सेटिस्फाई द टू कंडीशंस। कौन सी दो कंडीशन बेटा? एक तो ये है कि एवरी स्टोर प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए, माइनस साइन जस्ट बिकॉज बोथ हैव अ डायरेक्ट बोथ मैग्नीट्यूड हैव अ डायरेक्ट रिलेशन बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स वन अनदर। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इट इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। मैथमेटिकली ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट हेयर वी ऑल्सो द नेगेटिव साइन इज पुट बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ ए एंड एक्स हैव अ सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड विद वन अनदर। सो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग बॉडी मस्ट सेटिस्फाई द अबव टू कंडीशन। ठीक है बेटा, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है बेटा उसकी एग्जाम्पल आप देखें, तो इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स द राइट साइड एक्सट्रीम पोजिशन पे है, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मेन पोजिशन है, रिस्टोरिंग फोर्स भी टूवर्ड्स द मेन पोजिशन है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास है सिंपल पेंडुलम की और मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट इफ वी सी दैट इफ अ बॉडी इज अ सिंपल हार्मोनिक इफ अ बॉडी हैविंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बेटा उसके लिए अबव टू कंडीशन का फुलफिल होना वो जरूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक से देखें बेटा, मैं आपके सामने रीड करता हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, फॉर अ पार्टिकल विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पॉइंट ऑफ अ मोशन डज द वेलोसिटी अटेन्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड। कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो किस पॉइंट पर उसके जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस पर पॉइंट पर मिनिमम है। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान में रख लें कि अगर हम इसको मैं अगर आपको बेटा ये अगेन बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम के थ्रू समझा दूँ, तो मेन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है और मिनिमम है बिकॉज ऑफ दी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, सो ये बेटा एट मेन पोजीशन द टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। साथ में ये भी बता दो बेटा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो मोशन जो एनर्जी होती है वो पार्शली पोटेंशियल होती है, पार्शली काइनेटिक होती है, यानी उसकी जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहती है लेकिन ये जो है ना इसकी एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कभी पोटेंशियल में। मेन पोजीशन पर सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक है और एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी की सारी जो एनर्जी है वो बेटा वो पोटेंशियल है। ठीक है बच्चे, एट एक्सट्रीम पोजीशन द टोटल एनर्जी इज द सम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ई के ई फॉर एनर्जी पी फॉर पोटेंशियल। एट एक्सट्रीम पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम और इक्वल टू जीरो। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम और जीरो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को देखें बेटा, मैं रीड करता हूँ। इज द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एवर जीरो, वेयर। कि क्या ये मुमकिन है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो जाए? तो बेटा यस, ये मुमकिन है। और कब मुमकिन है? जब बॉडी जो है ना वो रिस्टोर होकर वापस जहाँ से मीन पोजीशन से उसने डिस्प्लेस किया है, तो बेटा मीन पोजीशन पर उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो बन जाता है। वो इसलिए कि एट मीन पोजीशन एक्स हमारे पास जीरो बन जाता है। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल प्रूफ को देखें बाय टेकिंग हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो नाउ इफ वी पुट के एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड मल्टीप्लाई एनीथिंग विद जीरो वी विल गेट जीरो। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट दैट एट मीन पोजीशन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज जीरो बिकॉज एट मीन पोजीशन दिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। हियर इन डायग्राम एट दिस मास इज अटैच्ड टू इलास्टिक स्प्रिंग। नाउ दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी। एट दिस पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स बिकम जीरो, दिस इज बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड होपफुल दैट यू हैव लर्नड टू मच अबाउट दिस 3 क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।